हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेके आया हूँ, नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। अब जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड शायद आपने नाम सुना नहीं होगा, लेकिन डोमिनोज़ पिज़्ज़ा का नाम ज़रूर सुना होगा। तो ये कंपनी जो है जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड, ये जुबिलेंट इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है, जो कि डोमिनोज़ पिज़्ज़ा जिसका मेन ब्रांड है, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा की कंपनी है ये मान के चलिए आप। तो इसका शेयर प्राइस में बहुत ज़बरदस्त गिरावट चल रही है कुछ टाइम से। तो आपको एक बहुत बढ़िया बेहतरीन मौका मिल सकता है इसमें एंट्री का। बहुत बढ़िया कंपनी है बहुत, अगर आप देखो, लेकिन किस लेवल पे एंट्री कर सकते हो आप इस लेवल पे, वो ध्यान देने वाली बात है। चलिए बात करते हैं छोटे से वीडियो में इसके बारे में, इसके डिटेल्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अभी देखिए, जुबिलेंट फीड वर्क्स लिमिटेड जो है 1224 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। 52 वीक लो जो इसका था वो 667 रुपीज़ का था, 670 रुपीज़, और अभी का प्राइस कितना है 1224 रुपीज़, और 1575 रुपीज़ तक ये गई थी कंपनी, हाई बनाई था। उसके बाद अभी गिरावट देखिए, ऑलमोस्ट 350 रुपीज़ का गिरावट देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। चलिए आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,000 करोड़ का है, बहुत बढ़िया है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के, बहुत बढ़िया। अर्निंग पर शेयर 19 रुपीज़ के अराउंड है, थोड़ा कम दिख रहा है अर्निंग पर शेयर के कंपैरिजन में। बुक वैल्यू देखिए 146 का है, एंड 52 वीक लो एंड हाई में जैसे मैंने आपको बताया था 667 रुपीज़ एंड 1578 रुपीज़ का है। पी रेशियो 63 का है। चलिए आगे देखते हैं एक नज़र इसके। अगर आप रिजल्ट्स देखें जुबिलेंट फूडवर्क्स का, तो बहुत बेहतरीन लगेगा आपको, बट इसका जो स्टॉक प्राइस है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिख रहा है। ये देखिए 726, 795, 770, ऑलमोस्ट 800 और 855। ये देखिए क्वार्टर बाय क्वार्टर जो है कंटिन्यूसली रिजल्ट में बहुत बड़ा इंक्रीज दिख रहा है, लेकिन पिछले दो क्वार्टर का, मार्च और दिसंबर क्वार्टर का, ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर रिजल्ट था, लेकिन जून क्वार्टर में वो अच्छा हो गया। आगे देखिए नेट प्रॉफिट देखिए 48 करोड़, 66 करोड़, 68 करोड़ और 74 करोड़। प्रॉफिट बहुत बढ़िया, क्वार्टर बाय क्वार्टर हर क्वार्टर में इंक्रीज दिख रहा है प्रॉफिट में भी। तो मेन बात यह है कि डेट फ्री कंपनी है डोमिनोज पिज़्ज़ा की, डेट फ्री कंपनी है, बहुत बढ़िया बात है। तो कोई डेट नहीं है कंपनी में, तो इसलिए इसकी ग्रोथ अच्छी दिख रही थी आपको। और टोटल एसेट्स देखिए 1000 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, अभी कंपनी ने कुछ टाइम पहले देखिए जो है बोनस भी दिया था 18 सितंबर की, इसके बोनस की एक्स बोनस डेट थी ये देखिए, और बोनस कितना दिया था 2.5 रुपीज़ का बोनस, बहुत कम दिया था अब देखिए। लेकिन पिछले 5 साल से लगातार 2.5 रुपये का बोनस ही देते आ रही है। बात करते हैं सॉरी डिविडेंड देते आ रही है, ये सब डिविडेंड है। बोनस की अब बात करते हैं कि बोनस कितना दिया है। बोनस 1:1 का दिया है, 2018 में भी जून बोनस दिया 1:1 का, बहुत बढ़िया बात है। ये सारा जितना था डिविडेंड था 2015-16-17 में 2.5 रुपये का जो है डिविडेंड दिया था कंपनी ने, 4-5 सालों से लगातार 4 सालों से डिविडेंड देते आ रही है। आगे अगर ग्राफ पर नज़र डालें फूड जुबिलेंट फूड वर्क का, तो ग्राफ देखिए किस तरीके से, एक टाइम पे 2 साल पहले 400 रुपये का शेयर हुआ करता था, 1600 से लगा, मतलब 4 गुना हो गया एक टाइम में मान के चलिए आप शेयर का, और बहुत बढ़िया ग्रोथ दिख रही है आपको चार्ट में। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये देखिए, ये 2010 की जो इसकी एंट्री है, अगर आप इसमें कुछ लाइन्स देख पा रहे हो तो देखिए किस तरीके के लाइन्स हैं, बहुत बढ़िया था। ये मंथली लाइन जो आपको दिख रही होगी मंथली चार्ट पे, बिल्कुल डाउन दिख रहा है एक मंथ, इस मंथ में बहुत नीचे चला गया। अगर हम इसमें वीकली चार्ट देखें पूरा लॉन्ग टर्म का, तो देखिए इस तरीके का चार्ट है, और मैं आपके लिए लेके आया हूँ चार्ट को ड्रॉ करके। बेसिक जो आपको लाइन दिख रही है, एक ये लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड दिख रहा है, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर एंगल इसका फास्ट मूविंग अप ट्रेंड दिख रहा है, और अगर देखा जाए पिछले 2 सालों का तो बहुत फास्ट चला गया था ये ट्रेंड, देखिए बहुत फास्ट चला गया था। तो अभी जो उम्मीद है कि किस लेवल पे आपको ये मिल सकता है, बाइंग किस लेवल पे है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस लाइन के किसी लेवल पे आपको ये मिल सकता है। मतलब कि आप ये मान के चलिए ये 950 से 1000 तक के, अगर ये आगे आगे टाइम बढ़ता तो थोड़ा और ऊपर जाएगी, तो इस रेंज पर आपको ये बहुत बढ़िया बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी इस रेंज पर। देखिए अगर इस लेवल पर कहीं जाता है 950 से 1000 की रेंज पर, क्योंकि अभी भी मुझे ये ओवर वैल्यूड लग रहा है ये स्टॉक, आप यकीन मानिए। और जिस तरीके से इसमें गिरावट है एकदम शार्प गिरावट, तो इतनी जल्दी वो रुकने वाली नहीं है अगर थोड़ा मार्केट कंडीशन ठीक होती है। और अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की बात की जाए, ये देखिए जो प्रायर रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बनेगा, तो वो भी इस लेवल पर अगर जाएगा ना, इस लेवल पर टकराएगा, तो वो यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है जो, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सा दिख रहा है, जो प्रायर रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है वो भी 1000 के लेवल पर कहीं पर दिख रहा है। तो ये एक इसका बेस्ट बाइंग वो मानूंगा मैं। इससे अलावा और नीचे अगर ये गिरता है तो आप इन पोजीशंस को भी ध्यान रखिए, देखिए इन पोजीशंस को भी ध्यान रखिए, लेकिन थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग आगे जाएगा तो इस लाइन पे कहीं पे ये मिलेगा, अगर नहीं तो इन पोजीशंस को आप ध्यान देखिए 700-800 की रेंज में। तो इन दो रेंज पे आप इस स्टॉक को पकड़ सकते हो, तो लंबी दूरी का स्टॉक है, अच्छा स्टॉक चल रहा है डोमिनोज पिज़्ज़ा। आगे के आजकल देखिए डोमिनोज पिज़्ज़ा बर्गर यही चल रहे हैं, अगर आप देखोगे तो पिछले 3-4 सालों से यही चल रहा है, और आगे का ट्रेंड भी इस तरीके से देखते हैं कि अगर ये ट्रेंड थोड़ा चेंज होता है तो इस कंपनी को थोड़ा सा
खुद में भी चेंज लाना पड़ेगा। तो ये बेस्ट बाइंग है 900 हज़ार रुपये के अंदर, और दूसरा 700 से 800 के अंदर, मैंने ये दोनों सजेस्ट किए हैं। ये बाइंग बहुत बढ़िया तरीके से इन टेक्निकली इन बाइंग पॉइंट्स पे दिख रहा है कि हाँ एक ये बाउंस बैक की उम्मीद है, और ये अच्छी बाइंग पोजिशंस दिख रही है जुबिलेंट फूडवर्क्स की। आगे बात नज़र करते हैं, देखिए गुड क्वालिटी का स्टॉक है, मार्केट मोजो का बहुत बढ़िया स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है, मेनली बात ये है इसमें। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखोगे तो 44 से 45% की है, बहुत बढ़िया, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% के अराउंड की है, दोनों बहुत बढ़िया हैं। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए जुबिलेंट कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड इसका मेन जो है प्रमोटर है, ऑलमोस्ट 45% की उसकी होल्डिंग है। FII 284 FII 284 FII ने 37% की होल्डिंग बना रखी है कंपनी में, और 23 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने 8.12% की होल्डिंग बना रखी है। लेकिन एक चीज़ देखिए, 10% का शेयर जो है गिरवी रखा हुआ है इतनी बड़ी कंपनी ने भी, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग कितनी है 3.23% की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कम टाइम बहुत डिटेल्ड मैंने आपको इसमें बता दिया मार्केट मोजो से, मनी कंट्रोल डॉट कॉम से, एंड आपको टेक्निकली एनालाइज भी करके भी बता दिया कि हाँ इसके ट्रेंड लाइन किस तरीके से चल रही है, अपवर्ड ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड जो है डाउनवर्ड चल रहा है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए डोमिनोज पिज़्ज़ा की ये कंपनी है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।